सो ये है आईफोन 7 प्लस जिसको यूज़ करते हुए मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया है। हाय गाइस, नादिर सिद्दीकी हियर, वेलकम टू डीप टेक। आईफोन 7 प्लस लॉन्च हुआ था 2016 में, इस वाले सितंबर में इसको पूरे 6 साल हो जाएंगे। तो क्या हमें आईफोन 7 प्लस 2022 में लेना चाहिए या इसको स्किप कर देना चाहिए? आईफोन 7 प्लस को iOS 16 का अपडेट नहीं मिलेगा एंड बहुत से लोग कंफ्यूज है कि आईफोन 8 ले या आईफोन 7 प्लस ले, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही फोन्स की जो सेकंड हैंड प्राइस है वो लगभग सेम है। आज की इस वीडियो में आपको आईफोन 7 प्लस की परफॉर्मेंस, कैमरा परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस, गेमिंग, यहां तक कि इसका लुक एंड फील एंड 2022 में ओवरऑल आपको पूरा कंक्लूजन मिलने वाला है। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं ऐसे सेकंड हैंड आईफोन्स पर वीडियोस लाता रहता हूं। गाइस, यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं आईफोन 7 प्लस की परफॉर्मेंस 2022 में आपको कैसी देखने को मिल जाएगी। यहां पर प्रोसेसर की बात करें तो आईफोन 7 प्लस में जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है फ्यूजन 810 चिप, जो कि एप्पल की चिप है एंड अच्छी खासी फास्ट है। नॉर्मल टास्क में, ऐप ओपनिंग में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, ऐप स्विचिंग भी काफी बेहतरीन तरीके से हो जाती है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप 6 साल पुराना फोन चला रहे हैं, यहाँ पर फोन काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से चल जाता है। यूआई में आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स लैग देखने को नहीं मिलेंगे। रैम की बात करें तो आपको इसमें 3GB की रैम मिल जाती है LPDDR4 एंड मैंने इसको आईफोन एक्स से कंपेयर करा था। आईफोन 7 प्लस ने मल्टीटास्किंग में आईफोन एक्स को कड़ी टक्कर दी थी। फाइनल रिजल्ट में पूरी 7 से 8 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में थी, एक भी ऐप आईफोन 7 प्लस ने रिलोड नहीं करी थी, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग बात है। एंड एक और शॉकिंग चीज ये है कि हैवी गेम्स लाइक BGMI एंड कॉल ऑफ ड्यूटी वो भी मेमोरी में थे। करंटली अभी iOS 15.6 पर है एंड ये इसका लास्ट अपडेट है, इसके बाद इसको कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा। एंड वैसे भी iOS इतनी अच्छे से ऑप्टिमाइज है कि आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। यहाँ पर अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो आपको इसमें 3 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, 32GB, 128GB एंड 256GB। एंड आईफोन 7 प्लस का बेस वेरिएंट 32GB में आता है, तो इसका जो सेकंड हैंड प्राइस है वो अंडर 10 के आपको देखने को मिल सकता है। मेरे पास जो वेरिएंट है वो 256GB है, जिसको मैंने सेकंड हैंड लिया है एंड इसकी प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो स्टिल बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। यूआई में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। एप्पल की A10 फ्यूजन चिप स्टिल 2022 में काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मुझे इसे यूज करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, आई डिडंट फाइंड एनी मेजर इशू इन दिस फोन। बस यहाँ पर अगर आप एक हैवी यूजर है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन यूज करते हैं एंड मल्टीटास्किंग भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत यूआई में ग्लिचेस या फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल जाएंगे। एज अ नॉर्मल यूजर ये फोन आराम से आपका सर्वाइव कर जाएगा, आपको कोई भी ऐसा मेजर इशू इसमें देखने को नहीं मिलेगा। गाइज, यहाँ पर गेमिंग की बात करें तो BGMI ओपन होने में आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। वही मैं अगर बात करूँ इसके ग्राफिक सेटिंग की तो आप मैक्स स्मूथ पे अल्ट्रा खेल पाएंगे, यहाँ पर 60fps का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन iPhone 8 में आपको 60fps का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल गेमिंग की बात करूँ तो 40fps में आपको इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा जो मजा आपको 60fps में मिलता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी बहुत अच्छे तरीके से आप गेमिंग कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल गेमर हैं तो आराम से गेम खेल पाएंगे। वैसे भी BGMI गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, अगर आप नॉर्मल गेम खेलते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। यहाँ पर BGMI में आपको हैवी फ्रेम ड्रॉप्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पर जो फोन है वो भी हीट होने लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं। ये देख सकते हैं हम बहुत हैवी फ्रेम ड्रॉप्स हो रहा है, लेकिन अगर आप इसमें गेम खेलना चाहें तो फिर भी खेल सकते हैं। बस यहाँ पे फोन थोड़ा सा हीट होगा एंड यहाँ पर जो बैटरी हेल्थ है उस पर भी बहुत जल्दी फर्क पड़ने लगेगा। इतना बुरा भी गेम नहीं चल रहा है, बस अगर आप इसको कंपेयर करेंगे आईफोन 8 से तो आईफोन 8 में 60fps मिल जाता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी बेटर गेमिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन वो फोन भी काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। इससे पहले मैंने आईफोन एक्स का वीडियो डाला था, वहाँ पर आईफोन एक्स भी हीट हो रहा था। अभी पुरानी चिप हो गई है 6 साल, तो यहाँ पर जो BGMI उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाती है। बाकी अगर आप इसमें BGMI खेलना चाहें तो खेल सकते हैं, बस यहाँ पर जो आपकी बैटरी है उस पर थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। वहीं मैं अगर बात करूँ इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की तो आईफोन 7 प्लस में जो आपको बैटरी मिलती है वो मिलती है 2900 mAh की, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है नंबर के मामले में। आपको इसमें कोई भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर 5W से आप इसको चार्ज करेंगे तो 3 घंटे से ज्यादा ले लेता है, जो कि काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम है। वैसे तो आईफोन 7 प्लस में फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड नहीं है, लेकिन मैं इसे एप्पल के 10W के चार्जर से चार्ज करता हूँ, जो कि iPad mini 5 के साथ आया था एंड ये इस फोन को आराम से 2 घंटे में चार्ज कर देता है। वहीं मैं अगर बात करूं इसके बैटरी बैकअप की तो आराम से फोन शाम तक चल जाता है, लेकिन मैं कुछ बैटरी टिप्स अप्लाई करता हूं जिससे मेरा फोन 2-3 घंटे ज्यादा सर्वाइव कर लेता है। मैंने यहां पर एक डिटेल आईफोन बैटरी सेविंग टिप्स पर एक वीडियो बनाई हुई है, जो कि चैनल पर लाइव है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आपकी भी बैटरी 1-2 घंटे ज्यादा चल जाएगी। यहां पर जो ये आईफोन 7 प्लस है उसकी बैटरी हेल्थ 87% है। अगर आप सेकंड हैंड आईफोन ले रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उसकी बैटरी हेल्थ 85% हो या उससे ऊपर हो। उससे नीचे वाला फोन लेंगे तो यहां पर जो आपकी बैटरी है वो बहुत जल्दी ड्रेन होने लगेगी एंड आपको ये भी चेक करना होगा कि बैटरी ओरिजिनल है
या फेक है। यही मैं अगर बात करूं कैमरास की तो आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। पहला जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ एक वाइड कैमरा है, एंड यहाँ पर जो दूसरा कैमरा है वो भी आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता है f2.8 अपर्चर के साथ। ये एक टेलीफोटो कैमरा है जिससे आप लिटरली DSLR टाइप फोटोज ले सकते हैं। गाइज यहाँ पर iPhone 7 Plus का कैमरा आज भी बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। 6 साल बाद भी यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी उसमें आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सही तरीके से फोटो क्लिक कर लेता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पोर्ट्रेट शॉट में भी आपको इन डेप्थ डिटेल्स देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर जो पोर्ट्रेट शॉट है वो बहुत ही ज्यादा शार्प आते हैं, एंड यहाँ पर जो बैकग्राउंड ब्लर है वो भी काफी ज्यादा कमाल का आपको देखने को मिल जाता है। मैंने यहाँ पर बहुत से शॉट्स लिए हैव अ लुक। वहीं मैं अगर बात करूं वीडियो की तो 4K 30fps पर वीडियो बना लेता है, एंड 1080p पे 60fps वाली वीडियो ये बना लेता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 7 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा जिससे आप डिसेंट सेल्फीज ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं, आपको फोटो क्लिक करने का ज्यादा शौक है, तो जिस रेंज में ये सेकेंड हैंड मिल रहा है उस रेंज में आपको इससे अच्छा सेकेंड हैंड फोन कैमरे वाला देखने को नहीं मिलेगा। स्पेशली फॉर ह्यूमन पोर्ट्रेट्स, पोर्ट्रेट्स ऐसे लगते हैं जैसे कि आपने DSLR से लिए हों। गाइस यहीं पर अगर डिस्प्ले की बात करें तो 5.5 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। बेजल्स आपको बड़े बड़े देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले वो काफी ज्यादा शार्प है। इंडोर में आपको बहुत बेहतरीन विजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आउटडोर में आपको हल्की सी ब्राइटनेस की कमी लगेगी। ब्राइटनेस नीट 625 है। एप्पल का 3 टच वाला फीचर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ट्रू टोन है वो आपको मिसिंग मिलता है। iPhone 7 Plus में ट्रू टोन का सपोर्ट एप्पल ने नहीं दिया था। सिक्योरिटी की बात करें तो सेकंड जनरेशन का आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, जिसकी स्पीड आज भी वैसी ही है जैसा पहले दिन ये लॉन्च हुआ था। यहाँ पर फिंगरप्रिंट में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, जैसे ही आप इस पर फिंगर रखेंगे फट से ये ऑन हो जाता है। एंड यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट है उसकी खासियत ये है कि इसके अंदर एक वाइब्रेशन मोटर लगी है, आपको बहुत ही बेहतरीन हैप्टिक फीडबैक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। गाइस यही मैं अगर बात करूं iPhone 7 Plus के लुक एंड फील के बारे में, तो यहाँ पर जो पूरा फोन है वो आपको एल्यूमिनियम का देखने को मिल जाता है। इसमें 7 सीरीज का एल्यूमिनियम यूज हुआ है। यहाँ पर जो बटन है वो भी आपको एल्यूमिनियम के देखने को मिल जाते हैं। सिंगल सिम मिलेगी, यहाँ पर आपको डुअल सिम का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आप एक सिंगल सिम लगा सकते हैं। फोन 4G है एंड आपको वोल्टी का भी सपोर्ट मिल जाता है। वहीं मैं अगर बात करूं पोर्ट प्लेसमेंट की तो यहाँ से हेडफोन जैक गायब है, एंड एक और चीज यहाँ पर जो पावर बटन है वो थोड़ा ऊपर दिया गया है, तो यहाँ पर आप सिंगल हैंड से इसको यूज करने में बहुत दिक्कत आती है, तो आपको डबल हैंड से पावर बटन दबाना होगा। ओवरऑल जो लुक एंड फील है वो 2022 के हिसाब से थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, एंड यहाँ पर जो इन हैंड फील है वो भी आपको थोड़ा बल्कि साइड देखने को मिल जाता है। वेट भी आपको अच्छा खासा 210 ग्राम तक का मिल जाएगा। कंपेयर करूं iPhone 8 और iPhone 8 Plus से तो iPhone 8 और iPhone 8 Plus थोड़े प्रीमियम लगते हैं, क्योंकि उनमें बैक ग्लास यूज हुआ है, यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको iPhone 7 Plus में 2022 में लुक एंड फील में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं मेन कंक्लूजन की कि क्या आपको iPhone 7 Plus 2022 में लेना चाहिए या इसको स्किप करना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस फोन को ले सकते हैं, फोन में कोई दिक्कत नहीं है, 2022 में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेता है। मैंने इसको iPhone X से कंपेयर करा था, एंड वहां पर भी मुझे परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। iPhone 7 Plus आराम से iPhone X को टक्कर दे देता है, एंड यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग है वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। 6 साल पुराना फोन 7 से 8 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रख रहा है, एंड यहाँ पर हैवी गेम्स भी वो रिलोड नहीं कर रहा है, जो कि इस फोन की काफी ज्यादा बेहतरीन बात है। एंड अगर मैं कंपेयर करूँ iPhone 8 से, क्योंकि iPhone 8 एंड 7 Plus का प्राइस है वो सेम है, iPhone 8 थोड़ा प्रीमियम लगता है, एंड इन हैंड फील भी काफी ज्यादा बेहतरीन मिल जाता है, लेकिन वहां पर आपको एक दिक्कत देखने को मिलेगी, टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलेगा जिससे आप DSLR टाइप फोटोज नहीं ले पाएंगे। डिस्प्ले भी छोटा है तो गेम खेलने में भी दिक्कत आएगी। बस वहां पे दो चीजों का फायदा आपको देखने को मिलता है। पहला, iPhone 8 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। iPhone 8 का रीडिजाइन करके iPhone SE 2 आया था, तो वहां पर जो डिजाइन है वो ज्यादा आउटडेटेड नहीं लगता है। वहीं मैं अगर बात करूं iPhone 7 Plus की तो ये डिजाइन थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी बड़ा मिल जाता है। एंड यहाँ पर iPhone 7 Plus का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि iPhone 7 Plus में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि iPhone 8 से काफी ज्यादा बेहतरीन है। यहाँ पर जो मैंने iPhone 7 Plus लिया है वो 256GB लिया है, एंड ये फोन मैंने लिया 15,000 रुपये का स्ट्रीट मोबाइल से। अगर आपको भी जेन्युइन सेकेंड हैंड फोन चाहिए तो आप स्ट्रीट मोबाइल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ तक वीडियो देख ली तो टाइप करें #DTFamily ताकि मुझे पता चले कि मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर कौन से हैं। बहुत जल्दी iPhone 7 Plus का कैमरा टेस्ट करने वाला हूँ iPhone X के साथ, तो वो वाला वीडियो भी आप जरूर से देखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर।